हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मुकेश मौर्य यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे अपना फोटो को कैसे लगाएं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपने चैनल पे अपने फोटो को लगाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से कैसे आप भी लगा सकते हो। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पर फोटो लगाने के लिए दो तरीका है, जो कि आप दो तरीके से अपने चैनल पे अपने फोटो को सेट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कंटिन्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद जो कि अपने चैनल पे फ़ोटो सेट करने के लिए दो तरीका मैं आपको बताऊँगा, जो कि यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हो, जो कि यूट्यूब एप्लीकेशन के माध्यम से, नहीं तो आप YT स्टूडियो जो कि एप्लीकेशन होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, इसके मदद से भी सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा उसके मदद से सेट कर सकते हो। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको आना है, जो कि यूट्यूब को ओपन करना है। यहाँ पर इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ओपन होगा, और यहाँ पर नीचे देख सकते हो यू यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो कि जो आपका यहाँ पर चैनल का नाम रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि क्लिक करेंगे, यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो नीचे इधर के साइड एक कॉलम का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो कि दो तरीके से पोस्टर भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर अपना जो कि यहाँ पर फ़ोटो भी लगा सकते हो, प्रोफाइल फ़ोटो। तो यहाँ पर दो देखिए दिखाई दे रहा है मेरा एक फ़ोटो, देखिए बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पोस्टर भी मेरा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, पोस्टर तो मैं आपको नहीं बताऊँगा सेट करने के लिए, आप यहाँ सेट कर सकते हो, बट उसमें जो कि रिसाइज करना होता है, आपको साइज़ उसका बनाकर सेट करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो प्रोफाइल फ़ोटो आपको मैं सिर्फ बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से पोस्टर लगाया जाता है। यहाँ पर मैं फ़ोटो सेट करने के लिए यहाँ पर बीच वाले में आपको क्लिक करना है, जो कि आपका यहाँ पर सादा रहेगा, नहीं तो आप पहले से सेट किए होंगे तो यहाँ पर रहेगा सेट रहेगा, बट नहीं आपका है तो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो कि देख सकते हो यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट कैमरा भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से गैलरी को ओपन कर सकते हो फोल्डर वाइज। तो यहाँ पर अपना फ़ोटो को यहाँ पर देख लेना है कौन सा फ़ोटो है। जैसे मेरा ये फ़ोटो नहीं है, जैसे दूसरा का है, तो इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर गाइज यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ से उधर इधर कर सकते हो साइज। अगर आपको कम बेसी करना है तो आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो जाकर एडिट एप्लीकेशन में। और यहाँ पर देख सकते हो नीचे सेव एज़ प्रोफाइल फीचर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक देखिए तीर का आइकन दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो यहाँ पर मूव होगा, घूमेगा यहाँ पर देख सकते हो, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर सेव एज़ प्रोफाइल फीचर पर क्लिक करके अपना फ़ोटो को सेट कर लेना है। और दूसरा तरीका मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है, जो कि आप जो अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हो प्ले स्टोर से तो उससे ओपन करना है यूट्यूब स्टूडियो को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका चैनल यहाँ पर लॉगिन रहेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऊपर प्रोफाइल वाले आइकन पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि कॉलम का एक आइकन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर एक कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपका यहाँ पर फ़ोटो लगा रहेगा, तो यहाँ पर फ़ोटो के बीच में कैमरे का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक ऊपर में पोस्टर दिखाई दे रहा है, तो पोस्टर में लगाया हूँ, आप भी लगा सकते हो। और यहाँ पर सेम तरीका है लगाने का, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इस तरह से गैलरी ओपन होगा, और जो आप फ़ोटो सेट करना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप सेट कर लेंगे। तो सेम तरीका है, आप उस एप्लीकेशन से जो कि यूट्यूब के एप्लीकेशन से आप फ़ोटो लगा सकते हो, नहीं तो आप YT स्टूडियो जो होता है उससे अभी लगा सकते हो। तो यहाँ पर नीचे सेव एस विथ प्रोफाइल पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अगर आप सभी को एक वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कंटिन्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक से बाय बाय।